आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब, उम्मीद करते सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारे घर में खून के छींटे आते हैं, हमारे घर में हमें कोई ना कोई मांस का टुकड़ा गिरा हुआ मिलता है, हमारे कपड़े चोरी होए जा रहे हैं, या हमारे कपड़ों को जब हम देखते हैं तो कोई ना कोई छोटी मोटी जगह से काट लिए जाते हैं, हमारे घर में लौंग, इलायची, बतासे मिलते हैं, या लाल रंग का कुछ गिरा हुआ मिलता है, या कुछ अनदर कोई टोटका हुआ मिलता है। इसका कारण क्या है, इससे नुकसान क्या क्या है, और इससे बचा कैसे जा सकता है, इस एक ही वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी आप तक साझा करने की कोशिश करेंगे। तो सभी श्याम प्रेमी इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, जो कुछ भी हमने आपको बताया है, अगर ऐसा कुछ भी आपके घर में, आपके पड़ोसियों के, आपके रिश्तेदारों के, या आपके कुटुंब में हो रहा है, तो ये एक प्रकार की तांत्रिक क्रिया है। कोई ना कोई आपके घर का व्यक्ति, अगर आपके घर में हुई है तो भी ये वीडियो जानकारी देगी आपको, नहीं हुई है तो भी आपको बचा रहने के लिए प्रेरित करेगी। दोनों ही हालत में आप इस वीडियो को देखिए। वीडियो को देखने के बाद अपने घर के, अपने परिवार के लोगों के पास जरूर भेजें, ताकि वो भी सतर्क रहें। आपके अपने YouTube चैनल है, आपका अपना Facebook परिवार है, जुड़े रहिए हमारे साथ। काफ़ी प्रेमियों का ये भी सवाल है कि आपके साथ जुड़ना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में WhatsApp का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ऐसा जो कुछ भी अगर आपके घर में हो रहा है तो देखिए, वो कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है, या तो आपका पड़ोसी मिलेगा, या आपके ही घर का, या आपका ही दोस्त, या आपका ही कोई निजी मित्र आपको मिलेगा, जो आपको बिल्कुल ख़त्म करने के लिए तैयार हो चुका है। ऐसा क्यों किया जाता है, मान के चलिए कोई भी दो भाई हैं, दो मित्र हैं, या कोई पड़ोसी है, वो आपकी तरक्की को देख कर जलता है, या वो पहले से परेशान था, वो किसी मुझ जैसे पाखंडी के पास आता है, तो मुझ जैसा कोई पैसों की लालच में 2% का नीच गिरा हुआ इंसान उसको बता देता है, किसी अपने पड़ोसी या मित्र या अपने ही किसी परिवार के जन के यहाँ ये काम कर देना, तेरा संकट दूर हो जाएगा, उसके यहाँ चला जाएगा। सीधे साफ स्पष्ट तौर पर बता दूं, जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे मात्र 3 साल के अंदर अंदर वो चला जाता है, अधोगति में, प्रेत की योनि में चला जाता है। जो करवाता है ये सब कुछ, भाई मुझसे संकट दूर हो जाए, किसी और पर चला जाए, मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ। अगर आप लोग भी जगह जगह चौकियों पर भटक रहे हो ना, और किसी के यहाँ आपने कभी भी ऐसा कुछ करवाया है, याद रखना आपकी पीढ़ी नहीं चल सकती, आपका वंश नहीं चल सकता, और मुबारक हो, आप प्रेत बनने के लिए तैयार हो जाओ। मेरी बात में कोई दोहराई आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। तो ये एक प्रकार से बिल्कुल गलत है। सबसे पहले तो सावधान हो जाओ, यहाँ कोई किसी का अपना नहीं है। मेरी वीडियो को भी सुन रहे हो, पता नहीं मैं क्या कर दूंगा, क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा, मैं कैसा हूं, आप लोग नहीं जान सकते, क्योंकि अच्छी अच्छी बातें बुरे लोग भी कर लिया करते हैं। तो सिंपल सी एक ही बात है, ये सब कुछ जादू टोने के तांत्रिक क्रिया के लक्षण हैं। अगर हो रहे हैं आपके घर में तो बहुत ही गलत बात है। अब इनसे बचा कैसे जाए, सबसे पहले तो ये देखिए, ये करवा कौन रहा है आपके घर में। थोड़ा सा ये आपको नियम तो जरूर फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे कि पहरा भरो अपने घर का, देखो कि कौन कर रहा है ये सब कुछ। और भी आसान उपाय चाहिए, अपने घर में CCTV कैमरा लगा के छोड़ दो, और सभी को बता दो लोगों को कि हमने CCTV लगा दिया है, यानी कि बताओ नहीं, बता दो सभी को, ताकि उस व्यक्ति तक ये बात पहुंच जाए कि इन्होंने तो कैमरे लगा लिए हैं, अभी आ जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा, तो वो आपके घर से दूर रहेगा और आप सुरक्षित रह जाओगे। क्योंकि ये काम हमें चुपके चुपके नहीं करना कि उस व्यक्ति को ना पता लगे, वो आगे फिर कुछ करे, हम कैमरे में देखे, प्रशासन तक बात जाए, हमें ऐसा कुछ नहीं करना है भाई। सभी को पहले से ही बता दो कि हमने ऐसे ऐसा इंतजाम कर लिया है, तो सावधान रहिए, तो वो व्यक्ति अपने आप सावधान हो जाएगा, आपका पीछा छोड़ देगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास ना करें। मेरे जैसे लोग भगवा धारण किए होते हैं, घरों में जाते फिरते रहते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सर पे हाथ रख दिया, कोई रुद्राक्ष दे दिया, ये दे दे, वो दे दे, नहीं, सब पाखंड है, सब ढोंग है। जो असली सच्चा संत होगा वो बाहर से अलग जगाएगा, अलग जगाने के बाद जो कुछ भी वो मांग रहा है वो उसको दे दीजिए, वो कुछ नहीं बोलेगा आपसे, वो चुपचाप अपनी भिक्षा लेगा, आगे की ओर प्रस्थान कर जाएगा, वो तो नज़र उठा के भी नहीं देखेगा आपकी तरफ। और जो ये मेरे जैसे पाखंडी हैं, सिर्फ जिन्होंने भगवा धारण कर लिया है, अंदर से वो कुछ और ही हैं, वो आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली घरों में कि माताजी तू तो बड़ी भाग्यवान है, तेरे चेहरे की रेखाएं ये बता रही, ज़्यादातर महिलाओं को अपनी ठगी का शिकार बनाते हैं। और ये बात कहते हुए मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, आज के समय में सिर्फ गिनती की 3-4 बातें हैं। तू सबका अच्छा करता है, करती है, तेरा कोई अच्छा नहीं करता। अरे तू अपने मन की बात औरों को बता देता है,
तो दिल का बड़ा साहब ये चार पांच रटी रटाई बातें हैं, और कितनी बड़ी और मूर्खतापूर्वक बात है, हम लोग ये बात सुन के खुश होते हैं। अरे हर कोई ही बता देगा ये बात, तो मैं भी बोल दूंगा, कोई दूसरा भी बोल देगा, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन एक बार अपने आप से पूछो कि क्या आप ऐसे हो? आप ऐसे नहीं हो भाई, आप अपने कर्म आपने खुद बिगाड़े हैं, खुद जानकर आपने ये सब कुछ किया है। क्यों किया है? क्योंकि अगर आप अच्छे कर्म करते तो आपके घर के कुल देवी कुल देवता और पितर मजबूत होते तो आज आपके घर में ये सब कुछ नहीं होने देते। उससे पहले वो बता देते कि तेरे घर में तांत्रिक क्रिया चल रही है। बचने का सिंपल सा एक ही उपाय है, अगर आपको ऐसा कुछ मिले आपके घर में, कोई छिट्टे मिले, कोई बतासे वगैरह या कोई और सामान रखा हुआ मिले, तो उसे हाथ से स्पर्श ना करें। वहीं पर घर का जो गंगा जल है उसका छिड़काव करें, गोमूत्र है उसका छिड़काव करें, वहीं पर उसी जगह पर, और उस सामान को जलाकर भस्म कर दें, वहीं पर उस सामान को राख कर दें, या फिर किसी और दूसरी चीज़ का सहारा लेके उसको वहाँ से उठाएं, घर से बाहर ले जाकर उसको कहीं भी जला दें, भस्म कर दें। एक तो तरीका ये है। कपड़ों को अगर आपको कोई कटिंग मिलती है, कपड़े गायब हुए मिलते हैं, चार दिन बाद वही कपड़े आपके घर में मिलते हैं, उनको जला दो, भस्म कर दो। जो कहीं से आपके कपड़े का कोई टुकड़ा काट लिया गया है उसको भी बाहर फेंक कर जलाकर भस्म कर दो, वो अब आपके काम का नहीं है, उसे अलग कर दो अपने घर से, अपने परिवार से। और घर में ये नियम बना लो, हर रोज एक हनुमान चालीसा, एक बजरंग बाण और हनुमान जी की आरती, ये तीन पाठ तो होंगे ही होंगे हर हालत में। घर में धूनी कैसे देनी होती है भूत प्रेत से बचने के लिए, घर में जल का छिड़काव कैसे करना होता है, वो वीडियो हमने बना दी है, यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। कोई भी वीडियो सर्च करनी हो, जैसे कि माला कैसी करनी चाहिए, आगे लिखो अशोक कुमार शहरवाद हम, आपका अपना यूट्यूब चैनल है, आपका अपना फेसबुक परिवार है, सारे अकाउंट लगभग हमने अपने इसी नाम से बना लिए हैं, उसके साथ MB रिकॉर्ड भक्ति आपका अपना चैनल है, वही चैनल चला रहा है, उसके साथ ये अन्य जो चैनल हैं ये आपके ही अपनी संपत्ति है, तो इन पर भी आप जो अपना प्यार दिखा रहे हो इसके लिए भी मैं आभारी हूँ आप सभी का, कि आप सभी इतना समय देते हो भाई। अब लगे कि हद से ज़्यादा बात बिगड़ चुकी है, तो सबसे पहले घर में हर रोज प्याज लहसुन का प्रयोग बंद कर दो, कभी नहीं करना है। घर में हर रोज सुबह और शाम दोनों समय 11-11 बार बजरंग बाण का पाठ होना चाहिए। शाम को हर रोज लगे कि सूर्यास्त के बाद 7-7:30 बजे का समय हो चुका है, उस समय पूरे घर में कपूर पर लौंग रखो, 2 लौंग 1 इलायची कपूर के ऊपर रखकर उनको जलाकर पूरे घर में उसकी फेरी लगाओ। घर के मंदिर में लोटे में या लुटिया में जो जल रखा हुआ है उस जल का पूरे घर में छिड़काव करो, और एक नियम का पालन करते हुए 41 डेज का नियम लीजिए, और ये काम करके देखिए आपके घर की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, आपकी देवी देवताओं का पुनः घर में प्रवेश हो जाएगा। अगर कोई जानकार व्यक्ति है, कोई पूछा देता है, चौकी लगाता है, दरबार लगाता है, लगे कि ये बिल्कुल ठीक है, ये मेरे साथ धोखा नहीं करेगा, तो आप उसकी सहायता लेकर अपने घर के प्रेत को बंधवा सकते हो, या इस जो ये इलीगल एक्टिविटी आपके साथ हुई है, मारण क्रिया, तंत्र क्रिया, कोई चौकी, कोई मसान, कुछ भी हुआ है, तो वो अपने हिसाब से अपने देवता के द्वारा उसका इलाज करवा सकता है। अब यहाँ काफ़ी लोगों को यह लगता है कि मैं कोई पूछा देता हूँ, ना भाई, मैं कहीं का कोई पूछा नहीं देता, कोई दरबार नहीं लगाता, कहीं नहीं बैठता, मैं तो सच बताऊँ मैं तो अपने ही घर के लोगों से नहीं मिलता भाई, माता पिता से भी 2 समय जब भोजन करते हैं उस समय मिलना होता है, या फिर कोई ज़्यादा ही इमरजेंसी है तो ही मैं उनसे मिलता हूँ, अन्यथा चुपचाप मैं अपने या तो माला करता रहता हूँ, या मेरी थोड़ी बहुत जो समय मिलता है वीडियो बना लेते हैं उस थोड़े बहुत समय में, या फिर कहीं किसी धाम जाना है तो वहाँ चले जाते हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी द्वादशी को आप सभी जब बाबा के दरबार आते हो तो आपसे मुलाकात हो जाती है। उसके अलावा कोई भी प्रेमी अगर कहीं भी किसी भी मंदिर में आता जाता है या हमारे पास फोन करता है, हम किसी से नहीं मिलेंगे। मैं बिल्कुल क्लियरली बोल रहा हूँ ये बात, क्योंकि मुझे बिना बताए लोग यहाँ आ जाते हैं, नंबर तो है नहीं, बस उन्हें पता चल चुका है कि उस धाम से है तो यहाँ आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद उन, क्योंकि उनको पता है कोई ना कोई तो मंदिर में मिलेगा, मंदिर में जो भी मिलता है उसे मेरी वीडियो दिखा के बोल देते हैं इसका नंबर चाहिए। अब गाँव के लोगों के पास तो मेरा नंबर है, वो उन्हें नंबर दे देते हैं, वो आप लोग फोन कर देते हो मंदिर में, भाई आप आए हो ना आए हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने नहीं बुलाया, आए हो तो बाबा श्याम के लिए आए हो, उससे मिलो, दर्शन करो, कभी भी दर्शन करो, कोई बात नहीं। कोई अरदास लगानी है मुझे बता सकते हो, अरदास लगा दी जाएगी, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा,
हम मेरा नाम लेके, मेरी फोटो यूज करके, मेरे चैनल का नाम लेके कोई किसी प्रकार की आपके साथ ठगी करता है, उसके जिम्मेदार खुद आप होंगे। मैं आज तक के यूट्यूब के इतिहास में किसी से भी एक पैसा नहीं लिया है और भविष्य में भी यही कामना करता हूँ कि बाबा श्याम किसी से कोई पैसा ना लेना पड़े, क्योंकि देखो भविष्य तो किसी को पता नहीं तक क्या समय आ जाए, कोई कुछ नहीं कर सकता, इसलिए प्रार्थना ही कर सकता हूँ। तो अगर आप लोग किसी भी प्रकार से कोई ऐसा काम करते हो तो वो गलत है, ना मैं आप लोगों से मिलूंगा, ना ही कोई और बात होगी, मैं कोई पूछा नहीं देता, कोई किसी प्रकार का दरबार नहीं लगाता। तो यह छोटी सी लेकिन बहुत कीमती जानकारी आपको देने की कोशिश की है, उम्मीद करते हैं समझ और पसंद आई होगी। अन्य प्रेमियों के साथ शेयर करिए ताकि उनका भी ये काम बन सके। जय श्री श्याम।